प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेक्स्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के ऊपर उंगली उठाई, वैसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने न सिर्फ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही रोस्ट कर दिया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखिए। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए, उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके, हमने नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए, चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती, हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए, आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, अच्छा। उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, है। वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई कब्जा नहीं हुआ। इसराइल के PM जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। उन्होंने दो नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था, अच्छा उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए, पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। मतलब उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, है। तो वो तो फायदा उठा सकते थे, पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है वो तो फायदा उठा सकते थे, उन्होंने तो उल्टा विजिट की है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते, अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, या वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है, ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आजादी दी हुई है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात पे बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात। GDP कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। टुडे वी सी द इल्स इट्स सॉट टू विजिट ऑन अदर्स कंज्यूम इट्स ओन सोसाइटी, इट कांट ब्लेम द वर्ल्ड, दिस इज ओनली कर्मा। बोला कि पाकिस्तान की GDP रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है, साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि कौन सा मुल्क जो है यूनाइटेड नेशंस में क्या बात कर रहा है। मजे की बात यह है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ में डॉक्टर जयशंकर का जो पर्सपेक्टिव है इट इज वेरी मच, इट इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल। पाकिस्तान के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को देख रहा था जो कि
मैं बड़ा जिसे कहते हैं ना मैं ज़रा मुतासर नहीं हुआ उनसे। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तुर्की के सदर की तारीफें कर रहे हैं जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने निगलेक्ट कर दिया और आप कह रहे हैं वाह वाह मज़ा आ गया सर। और लगता है हमारे वज़ीर आज़म जो है वो फ़ैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता सदा। अब क्वेश्चन ये है कि जो टर्की की जो लीडरशिप तो जो है ही है, आप डॉक्टर जयशंकर को देखें वो किस तरह ग्लोबल साउथ का केस लड़ रहा है। अभी जो एक G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी UN में, उसमें उन्होंने कहा यार ये आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है, ये जो UN का ब्रिटेन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन सिस्टम है ये माजी का हिस्सा है, अब माजी की कैदी हैं आप लोग, तो आप तो आगे जा ही नहीं सकते कहीं भी। यानी कि हु हैज करेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू आस्क द यूनाइटेड नेशंस कि ये जो ब्रिटेन वर्ल्ड सिस्टम है इसको ठीक करें। वो कह रहा है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है जी, इनके मसले और हैं, आपके मसले और हैं, ये उन्होंने कहा है। ये उन्होंने कहा है कि हमारे मसले और हैं, आपके मसले और हैं, सो हमारे मसले को देखें, ठीक है। तमाम जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। हमारी जो सोच है वो या तो ये है कि हमारे कर्जे माफ करो, या ये है कि हमारे पास फ्लड्स आ गए हैं पैसे दे दो, या ये है कि एनवायरनमेंट, क्योंकि दुनिया के लिए एक नया मसला है तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट करके उन्होंने को पैसे कटा लो। अब वो मैं देख रहा था कि एशिया सोसाइटी एक बड़ा अच्छा अदारा है, वहां पे बैठ के वो सिंपल सीधा सीधा अमेरिका को कह रहा है यार आप क्यों हमारी चॉइसेस कम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि यू नो फॉर एनी कंट्री टू मेक इट्स केस, अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच इज 1.4 बिलियन पीपल, देयर इज वन मैन हु टॉक्स फॉर इंडिया इज डॉक्टर जयशंकर। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ओनली टॉक्स टू द लोकल ऑडियंस, जो सीधी बात है, नरेंद्र मोदी डजंट टॉक टू द ग्लोबल ऑडियंस। जो रियल चैलेंजेस हैं इट मींस कि आपको एक फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए, उसको पॉलिटिकल बैक दें, फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए आपकी, जैसे इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बंदा पकड़ लिया, उसको फुल पॉलिटिकल बैक दी, उसके पीछे इकोनॉमी सोसाइटी मुआशरा सब कुछ रखा, उसे अगर जा दुनिया में इंडिया का केस लड़, वो लड़ रहे हैं। अब वो सीधा सीधा अमेरिका के पार्टनर हैं, लेकिन वो बात कैसे कर रहे हैं, अमेरिका का इंडिया पार्टनर है लेकिन अमेरिका को तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है आप ये जो बड़े मुल्क हैं ये हमारी चॉइसेस पे कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।